Hey guys, this is Ultimate here. Today I will be showing you how to enable remote desktop in your Windows Server. आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले हैं रिमोट डेस्कटॉप को कैसे इनेबल किया जाए विंडोज सर्वर पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सर्वर जो है आपको ओपन कर लेना है। तो मेरा जो सर्वर है वो एक्चुअल में 2016 का सर्वर है। तो हर एक सर्वर पे थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन जो मैं दिखाना जा रहा हूँ वो हर एक सर्वर पर लगभग सेम ही है। तो मान लीजिए आपका रिमोट डेस्कटॉप, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मेरा इस मशीन से रिमोट लेना चाहता हूँ, तो इस मशीन पर तो कैसे मैं ले पाऊँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कर लेना है सर्वर मैनेजर को ओपन कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होके आता है। ओपन होने के बाद आपको जाना है लोकल सर्वर पे। लोकल सर्वर आपको ओपन हो जाएगा, होने के बाद आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, जो कि उसका बहुत सारा कुछ अपडेट थोड़ा सा अपडेट लेता है। अपडेट लेने के बाद इधर पे सब कुछ शो हो जाता है। तो पहले आपका जब रिमोट डेस्कटॉप इनेबल नहीं रहेगा, तो आपको क्या है, आपको इधर पे जैसे इनेबल दिख रहा है, इधर पे आपको डिसेबल शो होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करके आपको इधर पे ऐसे डोंट अलाउ रिमोट कनेक्शन ऑन दिस कंप्यूटर कुछ इस टाइप पे आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इधर से अनचेक करके आपको इधर पे करना है चेक बटन, मतलब इधर अलाउ करना है, नीचे भी करना है अलाउ कनेक्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद अब इसको अप्लाई एंड ओके भी कर सकते हो, या आप मान लीजिए कोई कुछ स्पेसिफिक कुछ सिलेक्टिव यूज़र हैं तो उस यूज़र को आप इधर पे ऐड भी कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल तो अभी इस टाइम पे नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। देन इसको करना है आपको अप्लाई, देन क्लिक टू ओके, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का पहला स्टेज। तो आपको इधर पे नेट पे इथरनेट पे आपको इधर पे आईपी भी दिख सकता है, या आप कुछ इस टाइप पे भी शो हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको फिलहाल तो इसको मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करने के बाद फिर से आपको जाना है विंडोज़ पे, देन आपको जाना है कंट्रोल पैनल पे। देन कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि है सिस्टम एंड सिक्योरिटी। देन उधर का नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है विंडोज़ फायरवॉल। देन इधर पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है एलो एंड ऐप और फीचर्स, आपको इधर पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा इधर पे स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाना है, आपको रिमोट बोल के एक ऑप्शन दिखेगा। आप इसलिए देख पा रहे हो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, ठीक है। तो मैंने चारों को ऑन करके रखा हूँ इधर पर, और इधर पर भी मैं रिमोट एक्सेस रिमोट डेस्कटॉप में जितना भी रिमोट का सेक्शन है, तो मैं सब कुछ जो जो लगता है तो मैंने इधर पे टिक करके रखा हूँ। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करते हुए मैं जो जो को रिमोट डेस्कटॉप के लिए मैं क्लिक किया हूँ उसी को चूज़ किया हूँ, उसी को आप इजीली इसको सिलेक्ट करते हुए इधर पे प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों तरफ आपको करना है। करने के बाद आपको इधर पर क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ये जैसे कि मेरा ये सर्वर है, तो मैं इसको क्या करूँगा, अभी फिलहाल मिनिमाइज़ कर दूंगा। मिनिमाइज़ करने के बाद मैं क्या करूंगा, मेरा इसी कंप्यूटर पे मैं जाऊंगा कंट्रोल पैनल पे। देन कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। देन ओपन करने के बाद फिर से सेम स्ट्रेटेजी में जाऊंगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे, देन विंडोज़ फायरवॉल डिफेंडर फायरवॉल, देन अलाउ एंड फीचर्स। तो मान लीजिए मेरा इधर पे भी ऑफ है, तो मैं इधर से कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको चेंज सेटिंग पे करना है। करने के बाद आपको इधर पे नीचे करना है। नीचे करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जैसे क्या है रिमोट, जैसे कि रिमोट डेस्कटॉप, इस चेकबॉक्स पे आपको टिक कर लेना है। अब जैसे देख पा रहे हो, ठीक है, इधर पर आपको रिमोट डेस्कटॉप पर अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको जाना है विंडोज़ पे, एंड इधर पे टाइप कर लेना है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, आपको इधर पे करना है। करने के बाद इधर पे आईपी, मान लीजिए जैसे कि मेरा केस में आईपी इधर पे शो नहीं हो रहा है, आप देख पा रहे हो इधर पे आईपी शो नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है क्लिक, और आईपी आपको शो हो जाएगा, तो आपको इजीली आईपी मिल जाएगा, आप उधर से आईपी डाल के आ सकते हो। तो जैसे कि मेरा इधर पर मैं इथरनेट पर जाऊँगा, देन जाऊँगा, देन क्लिक टू राइट क्लिक, देन स्टेटस पर जाऊँगा। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद एक ओपन विंडो ओपन हो जाएगा जहाँ पे ना सब कुछ दिख जाएगा। देन डिटेल्स पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो आईपी पकड़ के रखा है, जो आईपी उधर पे शो नहीं हो रहा है, तो आपको इधर पे आईपी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा जो लोकल आईपी है 192.168.0.106, ठीक है, ये ऑटोमेटिक ये आईपी पकड़ लिया है। तो मैं इसको क्या करूँगा, ये आईपी नोट डाउन कर लूँगा या याद कर लूँगा, देन करूँगा इसको क्लोज।
क्लोज करने के बाद इसको भी कर लेता हूँ क्लोज, देन इसको भी करता हूँ क्लोज, देन इधर पे इसको कर लूँगा मिनिमाइज। ठीक है, तो इधर से मैं कनेक्ट करके देखता हूँ लेता है क्या नहीं, जैसे कि 106। ठीक है, और एक इस कनेक्शन को क्रिएट, इस कनेक्शन को आपको कनेक्ट करने में आपका जो स्टार्टिंग में जब इंस्टॉल करने का टाइम आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था वो भी आपको इस टाइम पे ज़रूरत पड़ेगा। जैसे आपका जो सर्वर है उसको जब ओपन करते हो उस टाइम पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड लगता है वही पासवर्ड आपको इधर पर डालना पड़ेगा। तो मैं इधर पर सिंपली डाल लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड, देन एंटर। अब इसे देख पा रहे हो इधर पे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन बोल के इधर पे एक ऑप्शन आया है, आपको क्या करना है, आपको कर लेना है यस पे क्लिक। ओके, अभी कुछ एरर शो हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, ओके टाइम स्पैन पे एरर आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर पे एरर जो है सर्वर का जो टाइम स्पैन है वो अभी बहुत पीछे चला गया है, जैसे कि 4:91 आपको शो हो रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले तो इसको डिसकनेक्ट हो जा रहा है इस वजह से, तो मेरा जो सर्वर है उसको ओपन करता हूँ, देन इसका इसका टाइम क्या है अभी इजीली देख पा रहे हो 10:11 अभी तो सेम दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो मैं इसको कर लेता हूँ पहले क्लोज, देन हाइपर भी ओपन करता हूँ, देन इसको करता हूँ कनेक्ट। कनेक्ट नहीं, मैं इसको एक बार रिस्टार्ट ही दे लेता हूँ। ठीक है, शट डाउन। अभी आ गया शट डाउन सक्सेस, देन मैं इसको करता हूँ कनेक्ट पे क्लिक, क्लिक टू स्टार्ट। हाँ ओपन होके आ चुका है, तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लोज, देन इसको करता हूँ मिनिमाइज, देन इधर से मैं फिर से ट्राई करता हूँ। देन एंटर। अब इसलिए देख पा रहे हो जैसे कि इधर पे रिमोट पे आ चुका है जैसे मैंने दिखाया था, और जो एरर था मैंने आके टाइम चेक किया, टाइम तो सही दिख रहा था, तो इस वजह से मैंने क्या किया, मेरा सर्वर जो था उसको एक बार रिस्टार्ट कर दिया, करने के बाद जो एरर था वो ऑटोमेटिकली चला गया। तो कभी कभार होता है कुछ टाइम बहुत टाइम से आपका सर्वर ऑन है तो ऐसे कुछ एरर आता है, तो आपको क्या करना है एक बार रिस्टार्ट दे देता है देना चाहिए। देने के बाद आप ये देख पा रहे हो जैसे कि ईजिली दोनों तरफ से मैं कनेक्शन इधर से रिमोट डेस्कटॉप पे ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा ये छोटा सा वीडियो से आपको हेल्प हुआ या मदद हुआ या नया कुछ सीख पाए हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।